नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बजाज द फैक्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डेरा में पहुँचे हैं, बाबा राम रहीम जी के डेरा में पहुँचे हैं। उन वहाँ लोग आए हैं, उनसे जानते हैं कि क्यों आज भी वो डेरा में आ रहे हैं, बाबा जी को मान रहे हैं इतना कुछ हो जाने के बाद। डायरेक्ट लोगों से बातचीत करके इस बारे में चर्चा करते हैं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम पंकज शर्मा इंसा है। सर आपकी क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन MCA है और मैं अभी नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक अच्छी रेप्यूटेड MNC कंपनी है, मैं वहीं पर कार्यरत हूँ इस टाइम। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, MNC में वर्क करते हैं। हमने देखा कि डेरा में आ रहे हो, बाबा जी को मार रहे हो, आपका क्यों विश्वास है बाबा जी के प्रति? मैं लगभग जब मैं 7 साल का था, मैं 7 साल की उम्र से ही मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा पूरा परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है। पहले मेरे जो पिताजी थे वो कभी शराब पिया करते थे, लेकिन डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद वो उन्होंने शराब बिल्कुल छोड़ दी और उसके बाद हमारा पूरा परिवार ना आज के टाइम में ना मांस ना अंडा मच्छी सारी दुर्गतियों से दूर रहता है। और अगर उस हम बात करें डेरा सच्चा सौदा की, तो डेरा सच्चा सौदा में इतने मानवता भलाई कार्य करते हैं, कोई इसे क्यों ना जोड़ेगा। दुनिया में लोग होते हैं वो उनको पता ही नहीं होता है, बिना मतलब बुराइयां करते रहते हैं। एक बार डेरा सच्चा सौदा अगर देखिए तो सही, यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पे तो आपस में भाई जो एक दूसरे को जानते भी नहीं वो भी आपस में प्रेमी भाई करके बात करते हैं, तो वो ऐसा किसी साथ ऐसा क्यों करेंगे जैसा कि मीडिया ने इतना गंदा दिखाया है और सुनाया है। किस तरह के 134 मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं डेरा में सामने से? जैसे कि एक तो ब्लड बैंक है अपना, जैसे भी कहीं और कोई आपदा आती है तो वहाँ पर जाते हैं, सफाई अभियान चल रहा है, समय समय पर आँखों का इलाज करवाया जाता है, और अगर अस्पताल में फ्री कार्य होता है और कई सारे मानवता भलाई कार्य, ये हमारे कुछ प्रमुख कार्य हैं। और जैसे पेड़ लगाना, हमारे लगभग 68 लाख के करीब हमने एक बार में एक समय पर पेड़ लगाए हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। समाज को इस समय बाबा राम रहीम जी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? समाज को इस टाइम बाबा राम रहीम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाबा राम रहीम जी के अंदर जाने से समाज में हो रहे जो कार्य थे वो काफ़ी हद तक रुक चुके हैं। क्योंकि एक लीडर का लीड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी की वजह से जो उसके प्रशंसक और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनमें बल मिलता है उनको आगे बढ़ने के लिए। हम पहले जितना कार्य हम उनके जब वो होते थे, जितना हम कार्य उस समय करते थे, आज के टाइम में उतना कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लोग जब नामदान लेते थे तो उस वजह से काफ़ी लोग नशा और बुराइयाँ छोड़ते थे, और इस वजह से समाज में काफ़ी नशा और आदि दुर्गतियाँ समाज में फैल रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी, मीडिया में सूत्रों के हवाले से हमें ये जाना कि डेरा सच्चा सौदा में अनएजुकेटेड पीपल जाते हैं, अंधभक्त लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, आज के टाइम में तो सभी के पास पैसा है, हर कोई पढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर अधिकतर सारे लोग सारे पढ़े लिखे ही हैं, जो कि अलग अलग रेप्यूटेड और MNC कंपनियों में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। पर हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं डेरा सच्चा सौदा में, क्योंकि यहाँ की संगत इतनी है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ही बहुत ज़्यादा हैं। अंत में आप हमारे माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डेरा और बाबा जी के बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे बाबा बिल्कुल निर्दोष हैं। अगर आपको किसी भी तरह की विसंगति डेरा सच्चा सौदा में लगती है, तो मैं उनसे एक बार हाथ जोड़कर जरूर कहूँगा कि आप डेरा सच्चा सौदा में आइए, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कार्य होते हैं, हम समाज के लिए क्या कार्य करते हैं, हम पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, खून दान करते हैं, समाज के लिए करते हैं और अपनी सेना के लिए करते हैं, और हम हर संभव कार्य जो होते हैं हम अपने सदगुरु की प्रेरणा से समाज के लिए करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये हैं, इन्होंने बताया कि डेरा सच्चा सौदा में हर तरह के लोग आते हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है, हर तरह के यहाँ पर लोग आते हैं। मानवता भलाई का एक बहुत बड़ा केंद्र है, समाज भलाई का बहुत बड़ा केंद्र है डेरा सच्चा सौदा, जहाँ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ पर रूहानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। 134 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, खून दान, पेड़ लगाना, और भी 134 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए फैक्ट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।